हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू राउंडिंग नंबर्स। बेटा, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर इज यूज टू क्विकली फाइंड द एस्टिमेशन ऑफ द रुपीज, नंबर्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, राउंडिंग नंबर जो टॉपिक होता है वो हमें क्विकली किसी भी डिजिट्स का या रुपीज का या अमाउंट का एस्टिमेशन निकालने के लिए इजी रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट गए और हम कहते हैं कि 97 रुपीज का हमने मार्केट से सामान या जो भी चीज़ें थी वो परचेज करी, तो हम क्विकली अगर कोई पूछता है कि आपने कितने रुपये खर्च किए तो हम बोलते हैं 100 रुपीज। एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट तो 97 है, बट उसका जो एस्टिमेशन है वो एस्टिमेशन क्या है बेटा, 100 रुपीज। तो राउंडिंग नंबर्स है, इस पे डिपेंड जो टॉपिक होते हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, 10,000, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। उनमें से मैं आपको आज नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 जो टॉपिक है वो सिखाने वाला हूँ। तो बेटा लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू राउंड टू द नियरेस्ट 10। बेटा जो पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है राउंड टू द नियरेस्ट 10, मीन्स हम नियरेस्ट 10 फाइंड करना सीखेंगे। ये राउंडिंग नंबर्स का ही पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ कुछ डिजिट्स लिखता हूँ अलग अलग, उनका मैं आपको राउंडिंग नंबर्स सिखाने वाला हूँ। ठीक है, फोर मैंने यहाँ लिखा 74। ठीक है बेटा, क्या लिखा 74। अब हम देखते हैं 74 बेटा यहाँ पर तो है 70 एंड यहाँ पर है 80। 70 एंड 80 के बिटवीन 75, क्या है बेटा 75। अब जब राउंडिंग नियरेस्ट 10, जब कभी भी हम नियरेस्ट 10 फाइंड करते हैं तो हम प्लेसेस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, प्लेसेस। नियरेस्ट 10 मीन्स 10th प्लेस। बेटा ये हमारी कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस। कौन सी प्लेस है, 10th। तो 10th प्लेस से जस्ट बिफोर, जब नियरेस्ट 10th निकालते हैं, नियरेस्ट 10 निकालते हैं तो 10th से जस्ट बिफोर देखते हैं। जब नियरेस्ट 100 फाइंड करते हैं तो नियरेस्ट 100 में 100 प्लेस से जस्ट बिफोर वाला नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें नियरेस्ट 10 फाइंड करना है, नियरेस्ट 10 के लिए वंस 10th प्लेस पर ये डिजिट है, उससे जस्ट पहले वाली डिजिट को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा, चेक करें। अब आप देखिए 74, हमारा 74 यहाँ पर है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 74 के नियरेस्ट बेटा 70 है या फिर 80 है। अगर 75 होता तो वो भी 80 की तरफ ही जाएगा। कहाँ पर जाएगा, नियरेस्ट उसके क्या होगा, 80। क्या होगा, 80। तो अब आप देखिए 74 के नियरेस्ट बेटा 70 है या फिर 80 है। जो ज़्यादा नियर है वो ही नियरेस्ट 10 होगा, किसका, 74 का। तो अब हम देखते हैं 71, 72, 73 यहाँ पर 76, 77, 78, 79। अब जो हमारी डिजिट है वो है 74। अब हम देखेंगे 74 ये नियरेस्ट 10 70 और ये नियरेस्ट 10 80। अब हमें देखना है कि 74 के ज़्यादा नियर, नियरेस्ट मीन्स नियर पास में। अब हम देखते हैं 74 से 1, 2, 3, 4 70 तक आने के लिए बेटा कितने डिजिट्स, 4 डिजिट, और 80 तक जाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप खुद समझ जाएंगे कि 70 जो 4 है उसके लिए नियरेस्ट 70 है या 80 है, क्योंकि 70 तक आने के लिए 4 बैकवर्ड जाना होगा,
और 80 तक जाने के लिए 6 फॉरवर्ड जाना होगा आगे की तरफ। तो बेटा ज्यादा नियर क्या हुआ 70, तो 74 का जो नियरेस्ट 10 है वो है 70। ये तो मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके सिखाया, क्या ड्रॉ करके सिखाया नंबर लाइन। अब मैं आपको थोड़ा और इजी वे में सिखाता हूँ। जब कभी हम नियरेस्ट 10 फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर नियरेस्ट 10 क्या फाइंड करना है हमें नियरेस्ट 10। तो उसके लिए हमें चेक करनी है वंस प्लेस और यहां पर भी वही चेक वंस प्लेस। ठीक है बेटा, जब हमें नियरेस्ट 10th प्लेस फाइंड करना है उसके लिए चेक करनी है वंस प्लेस, और अगर हमें वंस प्लेस पर 1, 2, 3, 4 या फिर 0, 0 भी लिख सकते हैं, 0 वैसे मिलता है तो 0 के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस प्लेस पे 0 है तो ऑलरेडी ही अपनी नियरेस्ट 10 पे रहती है। ठीक है, अगर हमें वंस प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 ये डिजिट्स मिलती है, ठीक है बेटा, तो हम नो चेंज ऑन 10th प्लेस। अगर हमें वंस प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स मिलेंगे तो हमें 10th प्लेस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, और अगर हमें वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8 या फिर 9 मिलता है तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 एड मीन्स प्लस ऑन 10th प्लेस डिजिट। समझिएगा, अगेन आई रिपीट, व्हेन यू फाइंड नियरेस्ट 10 और राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, जब हम किसी डिजिट को राउंड ऑफ में नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए 10th प्लेस, 10 मीन्स 10th प्लेस, 10th प्लेस पे जस्ट पहले कौन सी प्लेस होती है वंस प्लेस, हम चेक करते हैं वंस प्लेस को, और अगर हमें वंस प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी डिजिट मिलेगी तो हम नो चेंज ऑन 10th प्लेस, मतलब 10th प्लेस वाले डिजिट में नियरेस्ट 10 फाइंड कर लेना बेटा, 10th प्लेस वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। बट अगर हमें 10th प्लेस नियरेस्ट 10 जब फाइंड कर रहे हैं तो वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई डिजिट मिलती है तो हम 1 ऐड ऑन 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस की जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। ये तो है रूल। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आप उन एग्जांपल्स को देखिए, एग्जांपल से आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। देखिएगा, अभी जो मैंने आपको एक 74 का एग्जांपल कराया उसको वापस समझाता हूँ। 74, अब आप देखेंगे वंस प्लेस पर 4 है, 10th प्लेस पर 7 है, 10th प्लेस पर 7 है। मैंने क्या कहा, हम चेक किस प्लेस को करेंगे, जब नियरेस्ट 10 फाइंड करना है तो हम चेक करेंगे वंस प्लेस को। अब हम देखेंगे वंस प्लेस पर क्या है बेटा, 4, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप बताइए ये जो 4 है जो मैंने चेक करने वाली प्लेस बताई है वंस प्लेस, वो इन डिजिट्स में है या इन डिजिट्स में है? तो हम देखेंगे जो 4 है वो इन डिजिट्स में से, तो जब हमें इन डिजिट्स में से कोई डिजिट वंस प्लेस पर मिलेगी तो मैंने क्या लिखा है नो चेंज ऑन 10th प्लेस, हम 10th प्लेस वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। मींस जो 10th प्लेस की डिजिट है वो तो 7 का 7 ही रहेगा, और उसके बाद जितनी भी नेक्स्ट इधर वंस प्लेस की डिजिट है जो भी डिजिट है हम उसको क्या कर देंगे
जीरो बेटा, उसका आंसर हमारा क्या था बेटा, 70 था। जब मैंने आपको पहले दूसरे तरीके से सिखाया, आंसर क्या था 70 था ना। अब आप देखिए और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 86। अभी हम नियरेस्ट 10 ही फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? नियरेस्ट 10। उसके लिए वही टेंस प्लेस देखेंगे पहले, वंस टेंस। टेंस प्लेस पर क्या है? 8। और टेंस प्लेस से जस्ट पहले कौन सी होती है? वंस प्लेस। तो हमें चेक कौन सी प्लेस करनी है? वंस प्लेस। चेक करेंगे वंस प्लेस। अब हम वंस प्लेस पर देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 है या फिर 5, 6, 7, 8 इनमें से। तो हमने क्या देखा बेटा, ये 6, ये क्या है 6, व्हाट इज इट 6। तो चेक करने पर हमें क्या मिला कि वंस प्लेस पर इन डिजिट्स में से 5, 6, 7, 8, 9 में से। और जब हमें इन डिजिट्स में से नंबर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वन एड ऑन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पर क्या है बेटा? 8। टेंस प्लेस पर क्या है? 8। 8 में क्या ऐड करना है? 1। तो 8 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या बन गया? 9। और नेक्स्ट नंबर को तो हम 0 बनाएंगे, ठीक है बेटा। और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 145। अब वही हम किस प्लेस को चेक करेंगे? वंस प्लेस को। नियरेस्ट 10 फाइंड करना है तो वंस प्लेस चेक करनी है, नियरेस्ट 10 फाइंड करना है तो वंस प्लेस चेक करनी है। इस बात को याद रखिए, जब नियरेस्ट 10 फाइंड करना है तो वंस प्लेस चेक करनी है। वंस प्लेस पर क्या है बेटा? 5। अगर इनमें से डिजिट मिलेगी तो हम टेंस प्लेस में नो चेंज ऑन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पर कोई चेंज नहीं करेंगे। बट अगर इनमें से कोई डिजिट मिलती है वंस प्लेस पर तो हम 1 ऐड ऑन टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस वाले डिजिट में क्या ऐड कर देंगे? 1। तो अब हम देखेंगे वंस प्लेस पर क्या है बेटा, वंस प्लेस पर है 5। अब 5 इन डिजिट्स में से नहीं है, 5 इन डिजिट्स में है। और जब इन डिजिट्स में से कोई नंबर मिलेगा तो हम टेंस प्लेस वाले डिजिट, बेटा ये टेंस प्लेस वाले डिजिट है हमारी, टेंस प्लेस वाले डिजिट में क्या ऐड करेंगे? 1। 1 का तो ये 1 ही रह गया, और 4 में 1 ऐड करते हैं 5, और लास्ट नंबर को हम 0 बना देंगे। तो 145 का नियरेस्ट 10 क्या हुआ बेटा? 150। और एग्जांपल देखिए, मेन जो ये रूल है बस हमें ये याद रखना है, जब नियरेस्ट 10 फाइंड करना है तो वंस प्लेस चेक करेंगे, जब नियरेस्ट 100 फाइंड करना है तो नियरेस्ट 100 के लिए हम टेंस प्लेस चेक करते हैं, जब नियरेस्ट 1000 फाइंड करना है तो चेक करेंगे नियरेस्ट के लिए 100 प्लेस, ठीक है बेटा। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ नियरेस्ट 10, क्या फाइंड कर रहे हैं? नियरेस्ट 10। अब आप और एग्जांपल देखिए, चेक कौन सी प्लेस? वंस प्लेस। चेक कौन सी प्लेस? वंस प्लेस। अब वंस प्लेस में हम देखेंगे 6 जो है वो इन डिजिट्स में से है, ठीक है बेटा। तो जब इन डिजिट्स में से हमें वंस प्लेस पर नंबर मिलेगा तो हम टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, 7 तो 7 ही रहेगा। 8 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन गया? 9। क्या बन गया बेटा? 9। और यहाँ पर लास्ट में 0। इस तरह से 786 का जो नियरेस्ट 10 होगा वो होगा 790, ठीक है बेटा। ये हमारा नियरेस्ट 10 टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको इसके बाद नियरेस्ट 100 सिखाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा राउंडिंग नंबर्स का टॉपिक था वो था राउंड टू द नियरेस्ट 10, देन आई एम गोइंग टू टीच यू राउंड टू द नियरेस्ट 100। बेटा नियरेस्ट 100 के लिए भी हम उसी रूल को फॉलो करेंगे, बट जैसा कि मैंने आपको लास्ट अभी जब राउंड टू द नियरेस्ट 10 सिखाया था तब बताया था, व्हेन वी फाइंड नियरेस्ट 10 देन वी चेक नियरेस्ट, देन वी चेक वंस प्लेस। जब हम नियरेस्ट 10 फाइंड करते हैं तो हम वंस प्लेस चेक करते हैं, जब हम नियरेस्ट 100 फाइंड करते हैं तब हम टेंस प्लेस को चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक किसे करेंगे बेटा? टेंस प्लेस। और यहां पर भी चेक होगा टेंस प्लेस।
ठीक है। चेक करने पर जब हमें कौन सी प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, 0, 1, 2, 3, 4 अगर इन डिजिट्स में से कोई नंबर मिलेगा, तो जो हमने पिछले रूल में किया नो चेंज ऑन, वहां हमने किया था नो चेंज ऑन टेंस प्लेस। अब हमारा टॉपिक है नियरेस्ट 100, तो नो चेंज ऑन 100 प्लेस। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट साइड में जब हमें, अगर हमें टेंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8 या फिर 9 इनमें से कोई डिजिट मिलती है, तो हमारा जो लास्ट रूल था वही 1 add on 100 place 100 place digit। ठीक है बेटा। वापस देखिए, जब हमने राउंड टू द नियरेस्ट 10 किया था, रूल सेम वही है, सिमिलर है, बट जब नियरेस्ट 10 था तो हम चेक कर रहे थे वंस प्लेस। क्या चेक कर रहे थे? जब नियरेस्ट 10 था, यहां पर 100 की जगह 10 था, तब हम चेक कर रहे थे वंस प्लेस। जब नियरेस्ट 100 आ गया है, तब हम चेक कर रहे हैं टेंस प्लेस। ऐसे ही जब नियरेस्ट 1000 आ जाएगा, हम चेक करेंगे 100 प्लेस। ठीक है बेटा। तो अब आप, ये तो है हमारा रूल, जो हमारे लास्ट रूल की तरह ही है, कि अगर हमें टेंस प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 मिलता है, तो नो चेंज ऑन 100 प्लेस। कौन सी प्लेस पर कोई चेंज नहीं करना? 100 प्लेस पर। और अगर हमें टेंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई डिजिट मिलती है, तो वही 1 add on 100 place। 100 प्लेस वाली जो डिजिट होगी, उसमें हम बेटा क्या ऐड कर देंगे? 1 add कर देंगे। अब आप कुछ एग्जांपल देखिए इसके लिए भी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 700, 782। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा? 782। अब हमें चेक कौन सी प्लेस करनी है? टेंस प्लेस। और ये वंस देन टेंस। अब हम टेंस प्लेस पर देखेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4 में से है नंबर, या फिर 5, 6, 7, 8, 9 में से। तो बेटा ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज 8। तो 8 इनमें से है, देन 1 add on 100 place digit। हम देखेंगे कि 100 प्लेस जो डिजिट है, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1। तो हम अब चेक कर देंगे टेंस प्लेस पर हमें इनमें से ना मिल करके इनमें से डिजिट मिले, 8 मिला है, तो हम 100 प्लेस में, किसमें बेटा? 100 प्लेस डिजिट में क्या ऐड कर देंगे? 1। और 100 प्लेस पर क्या है? 1, 10, 100 पर 7 है, 7 में 1 ऐड करते क्या बन गया? 8। और उसके नेक्स्ट डिजिट्स को हम 0, 0 कर देते हैं। ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है? एस्टिमेशन। क्या है? एस्टिमेशन किसका? 782 का नियरेस्ट 100 का एस्टिमेशन है। ठीक है। इस तरह से मैं अब आपको कुछ और एग्जांपल्स सॉल्व करवाऊंगा, उन एग्जांपल्स को भी आप ध्यान से समझिएगा और इसी तरह अपनी बुक में से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल को अब आप ध्यान से देखिए। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 226। जो हमारा रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम किस प्लेस को चेक करेंगे? वी विल चेक टेंस प्लेस। देन टेंस प्लेस में वंस टेंस, टेंस प्लेस पर क्या है बेटा? 2। अब हम देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से डिजिट है या फिर इनमें से। तो बेटा हमने देखा टेंस प्लेस पर क्या है? 2 है। और जब टेंस प्लेस पर इनमें से कोई नंबर मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4 तो हम 100 प्लेस, क्योंकि हम नियरेस्ट 100 फाइंड कर रहे हैं,
100 प्लेस में कोई चेंज नहीं करेंगे तो वो क्या रहेगा 2 का 2 और नेक्स्ट डिजिट्स 00। और एग्जांपल्स देखिए, तो हमारा ये 226 का नियरेस्ट 100 क्या हुआ बेटा 200। ठीक है, एग्जांपल और देखिए 1837 डिजिट्स बड़ी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो सिर्फ सीखना समझना है वो अभी नियरेस्ट 100 है हमारा टॉपिक, इसलिए 100 प्लेस का ध्यान रखना है, बस 100 और 10th प्लेस पे। ठीक है बेटा, तो जब 100 नियरेस्ट 100 फाइंड करना है और चेक करना है नियरेस्ट 10th को, तो 10th पर क्या है बेटा 3, और 3 इन डिजिट्स में से है, 3 इन डिजिट्स में से है। और जब इन डिजिट्स में से कोई नंबर मिलेगा हमें 10th प्लेस पर, तो हम 100 प्लेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये अब हमारा जो आंसर है 1 8, देन आफ्टर 100 00। 1837 का जो नियरेस्ट 100 है बेटा वो है 1800। क्यों? क्योंकि 10th प्लेस जब हमने चेक करी तो 0 1 2 3 4 इनमें से नंबर मिला हमें 10th प्लेस पर। अगर हमें 5 6 7 8 9 में से नंबर मिलता तो हम 100 प्लेस पर 1 ऐड कर देते। तो ठीक है बेटा, आज मैंने आपको राउंड टू द नियरेस्ट 10 एंड राउंड टू द नियरेस्ट 100 टॉपिक पढ़ाया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।